बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। बनी नद न्यूज़ से मैं हूं अबू जर गफारी। कराची साइट एरिया नौरस चुरंगी के करीब निजी कंपनी में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 3 बच्चों समेत 11 अफराद जान बहक हो गए हैं। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक भगदड़ मचने से नाले में गिरने से खवातीन भी जान बहक हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इत्तिलात हैं। जान बहक और जख्मी होने वाले अफराद को बासी हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ईडी फाउंडेशन के रजाकार के मुताबिक राशन की तकसीम के दौरान बिजली का तार गिरने की वजह से भगदड़ मच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक भगदड़ मचने से मुतअद्दिद अफराद बेहोश भी हो गए। पुलिस की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक हादसे में 11 अफराद जान बहक जबकि 5 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। मरने वालों और जख्मियों की खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। SP बल्दिया टाउन के मुताबिक कंपनी की जानिब से राशन तकसीम की इतला नहीं दी गई थी। भगदड़ के दौरान पानी की लाइन लीक हुई, जिसमें बिजली का तार गिरा और यही हलाकतों का सबब भी बना। पुलिस ने कंपनी से 7 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। DC केमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो ने जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं। यहां डाइनिंग फैक्ट्री इंतजामिया मुस्तहकीन में राशन और नकदी तकसीम कर रही थी। इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद करने से कबल पुलिस और जिली इंतजामिया को आगाह करना और इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। उनका कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया ने कोई इतला नहीं दी थी, ये खिलाफ कानून अमल है। फैक्ट्री में मालिक उम्र की अदायगी पर गया हुआ है, वापस आने पर शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जबकि फैक्ट्री से मुलाजमीन समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने बताया कि फैक्ट्री को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। वज़ीरे आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सीमेंस चुरंगी पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुराद अली शाह ने अपने एक बयान में कहा कि राशन की तकसीम और फलाही कामों के लिए इंतजामिया को बाकायदा इतला देनी चाहिए। 11 अफराद के जाँ बहक होने की रिपोर्ट इंतहाई तकलीफ देह है। वजीर आला सिंध ने जख्मियों को फौरी तिब अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की और कहा कि मुझे शहीदों का सुनकर बहुत दुख हुआ है कि जहां बहक होने वालों में ज्यादातर खवातीन हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि साइट कराची के इलाके में निजी फैक्ट्री के बाहर राशन तकसीम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया। भगदड़ मचने से बच्चों और औरतों की कीमती जानें जाये हो गईं। उनका कहना था कि फैक्ट्री इंतजामिया ने पुलिस और जिली इंतजामिया को राशन की तकसीम से मुतालिक ना ही कोई इतला दी और ना ही इजाज़त ली। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। सूबाई वजीर का कहना था कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हर कोई नेकी का काम करना चाहता है। मुखय्यर हजरात और गैर सरकारी तंजीमों से अपील की है कि नेकी का काम करते वक्त जिली इंतजामिया को जरूर मुत्तला किया जाए ताकि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में आटे की तकसीम के दौरान पंजाब में अफसोसनाक वाकयात पेश आ चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने मुस्तहिक खानदानों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटे की खरीदारी की रकम मुंतकिल करने का फैसला किया है ताकि इस किस्म के वाकयात रोनुमा न हों। साइट एरिया में फैक्ट्री के बाहर राशन के लिए आने वाली एक खातून ने बताया कि लोगों को राशन लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। खातून ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खिदमत का काम ऐसे तमाशा करके नहीं किया जाता। एनी शाहिदीन के मुताबिक पैसे बांटने से पहले फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे। फैक्ट्री का दरवाजा जैसे ही खुला, बच्चे और खवातीन अंदर की तरफ भाग गए।
एनी शायदीन ने बताया कि लोगों को रोकने के लिए फैक्ट्री मुलाजमीन ने पानी छोड़ा। भगदड़ और पानी के प्रेशर से खवातीन और बच्चे एक दूसरे पर गिर पड़े। एक एनी शायद का कहना था कि उसकी अपनी 11 साल बेटी इसी भगदड़ में जां बहक हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने राशन की तकसीम में भगदड़ के वाक्य का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर ने अफसोसनाक वाक्य में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर सिंध ने जख्मियों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र्र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।